हेलो फ्रेंड्स, साइंस टॉक के इस एपिसोड में है थोड़ी सी चिंताजनक खबर, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ओशंस में से रिलीज हुई है बहुत ही अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। और हैरत की बात यह है कि जब ऐसा हुआ तो वो पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं चला। तो दोस्तों, क्या हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ओशंस में, जानने के लिए देखते रहिए साइंस टॉक का ये एपिसोड सॉल्ट इंडिया चैनल पर हिमांशु इंडिया के साथ। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्टर्न ओशन में अंडर वाटर हीट वेव्स की वजह से लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली एम्फीबोलिस एंटार्क्टिका, जो एक प्रकार की सी ग्रास है, पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। और हैरत की बात यह रही कि जब ऐसा हो रहा था तो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। ये सी ग्रास, जिसका नाम एम्फीबोलिस एंटार्क्टिका है, केवल साउदर्न और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं कि इस सी ग्रास के अब ओशन के नीचे सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। जिन लोगों को ये न्यूज़ थोड़ी सी बोरिंग लग रही है, उनके लिए बता दें कि ये जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है अब हमारे इकोसिस्टम में रिलीज हो गई है, जिससे हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ने वाला है। अगर ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ गया इस तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से, तो हमारी जो स्पीसीज़ है, स्पेशली ह्यूमन की जो स्पीसीज़ है, उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है अर्थ पर। आपने दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो सुना ही होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। इससे पहले मैं आपको एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्रीन हाउस होता है हमारी जो अर्थ है उस पर टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करती है, मगर ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मात्रा हमारे एनवायरमेंट में बहुत अधिक होती जा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है हमारे एटमोसफेयर में। उसकी वजह से हमारा ग्लोबल टेम्परेचर, यानी जो एटमोसफेयर का टेम्परेचर, वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। इसके रिसेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल भी रही होगी कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके लिए जो यूएन ने भी कदम उठाए थे, यूएस और बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना कार्बन एमिशन कम करें। उन्होंने इंडिया से भी रिक्वेस्ट किया था कि अपना कार्बन एमिशन कम करें, हालांकि इन जो विकसित देशों की तुलना में हमारा कार्बन एमिशन बहुत कम है। तो आपको बता देते हैं कि इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होने वाला है या हुआ है। जो हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें प्लांट्स की बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने को। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के जरिए उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारे लिए फूड भी बनाते हैं। सेम जो चीज़ होती है वो वाटर के अंदर भी होती है। जो वाटरी प्लांट्स होते हैं, जैसे सी ग्रास होती है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक होने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो ओशन या वाटर बॉडीज में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये जो वाटर एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो उन सबको उसमें से उस कार्बन रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मगर अब सोचिए, अगर ये जो प्लांट्स हैं अगर वाटर के अंदर नहीं रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? जी हाँ, वो बिल्कुल हमारे इकोसिस्टम में एब्जॉर्ब होगी, जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा। हमारे नहीं बल्कि बहुत सारी जो स्पीसीज है एनिमल की, उसकी लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है, या मैं कहूँगा डेफिनेटली होगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से सिर्फ जो टेम्परेचर बढ़ने, सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो उसके आफ्टर इफेक्ट है, जो ग्लेशियर्स हैं हमारे, जो सॉलिड फॉर्म में वाटर स्टोर्ड हुआ हुआ है अर्थ पर, वो धीरे धीरे मेल्ट होंगे, जिससे वाटर लेवल राइज करेगा। और वो अगर वाटर लेवल राइज करेगा तो वो कहाँ एंटर होगा? वो एंटर होगा हमारी लैंड, यानी टेरिस्ट्रियल एरिया में। तो जो हो सकता है कि बहुत बड़ा एरिया आने वाले सालों में हमारी पृथ्वी का जो लैंड एरिया है, टेरिस्ट्रियल एरिया है, वो जलमग्न हो जाए पूरा। सब जगह हम देखेंगे पानी 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 है। तो ऐसे में हम और बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनका एग्जिस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाएगा। आशा करते हैं कि फ्यूचर में ऐसे कुछ मेजर्स लिए जाएंगे जिससे हम अपना कार्बन एमिशन कम कर सकें, जिससे हम इस बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम कर सकें और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल सॉल्ट इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा आपके लिए साइंस टॉक में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साइंस रिलेटेड लेके आता रहता हूँ। अगर आपको ये अपडेट्स चाहिए तो बेल आइकन को जरूर दबाएँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहे जिंदाबाद रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।